ये मुंबई की कहानी है और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, नकुल के जीवन की सबसे खौफनाक घटना है यह। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाल वाला बटन दबाए, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों, डोंबिवली और कल्याण के बीच एक स्टेशन पड़ता है, नाम है ठाकुरली। आज से तकरीबन 20 साल पहले ठाकुरली उतना डेवलप नहीं था और नकुल के पापा कल्याण हॉस्पिटल में एडमिट थे। नकुल के घर वाले बारी बारी से उनकी देखभाल किया करते थे। उस दिन सुबह से ही नकुल की ड्यूटी थी उनके पापा की देखभाल करने की और वो अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपना घर जा सके। नकुल का भाई काफी लेट से आया, तकरीबन 11 बज रहे थे। नकुल के भाई के आ जाने पर नकुल अपने घर की तरफ चल पड़ा। ठाकुरली उस समय बहुत डेवलप नहीं कर रहा था और वहां जो क्वार्टर थे वह बहुत पुराने हो चुके थे और जो नई क्वार्टर थी वहां उसकी दूसरी जगह शिफ्टिंग हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग खाली थी, सुनसान रास्ते थे, बहुत डरावने पेड़ थे, काफी भयानक लग रहा था। नकुल उसी रास्ते पे जा रहा था, उसे थोड़ा सा डर का भी अनुभव हो रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, नकुल जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था क्योंकि उसे थोड़ा सा डर का अनुभव हो रहा था और नकुल को लग रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रही है। नकुल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है पर वहां कोई नहीं। अब नकुल के मन में और ज्यादा भय बैठ गया। नकुल और जल्दी जल्दी चलने लगा, जल्दी जल्दी चलने लगा। थोड़ा सा आगे जाने पर नकुल को ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई एक पेड़ पर बैठी है, उसकी बाल फूले हैं और वह नकुल के एकदम करीब है। अब नकुल एकाएक रुक गया, डर से उसका जिस्म पूरा खून सूख गया था। वह आगे जा नहीं सकता था और पीछे भी पलट नहीं सकता था क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि पीछे भी कोई है और आगे तो वह बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहा था। चांदनी रात थी इसलिए सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और एकदम साफ साफ नजर आ रहा था कि कोई पेड़ पर बैठी है और उसके बाल लंबे हैं और लटक रही है। वह बहुत डर गया, घबरा गया। हिम्मत करके हनुमान चालीसा का कुछ शब्द अपने मुंह से निकालकर और आंखें बंद कर घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था। एक ही सांस में दौड़ते हुए नकुल अपने घर पहुंच गया। चुपचाप रात में सो गया नकुल। सुबह जब वह उठा तो उसकी छाती पर नाखून के निशान थे। नकुल को लगा वो संजोग ऐसे ही कहीं सोने में मुझे नाखून लग गए होंगे। दूसरी रात भी जब नकुल सोया तो सुबह उसकी छाती पे और ज्यादा नाखून के निशान थे। नकुल अब घबरा गया, वह अपने घर वालों को सारी बात बता डाली। अब घर वाले भी घबरा गए, वह तांत्रिक के पास गए, ओझा के पास गए झाड़फूक कराने के लिए। काफी झाड़फूक मुंबई में कराई लेकिन नकुल ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उसे गांव ले जाया गया। उसके गांव यूपी के तकरीबन कहीं गांव में है। वहां कोई भगत रहता है, तांत्रिक रहता है जो बहुत सिद्धि प्राप्त कर चुका था। उसने नकुल को ठीक कर दिया, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया और बाद में उसे समझाया कि तुम ऐसे रास्ते से अब मत गुजरा करो क्योंकि तुम्हारी परछाई बहुत ही कमजोर है, इसलिए तुम पर वह जल्दी हावी हो गई। यह बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। कैसी लगी आपको कहानी, आप जरूर कमेंट करके बताएं और मैं इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मुझे तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद।